शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरजू को बीज किसने दिए? हम पूछते हैं किसने दिए बीज सरजू को? माँ दुर्गा ने। हाँ छोटे ठाकुर, माँ दुर्गा ने दिए हैं बीज सरजू को। उसने तुम्हारा हुकुम नहीं माना। मेरी बात मानो ठाकुर, तो आग लगवा दो माँ दुर्गा के घर में भी। हाँ, फिकवा दो उसकी मूर्ति को गांव से बाहर। चलो अब गुस्सा थूक दो ठाकुर, जो होना था सो हो गया। वैसे इस साल ऐसी जोरदार फसल होगी अपने सरजू के खेत में कि तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी ठाकुर। आंखें तो हम जरूर ठंडी करेंगे, सारे गांव वालों के सामने आज तुझे नंगा। अरे हट, नंगा कर जाके अपनी बहन को। हाथों से तूने मेरी माँ का अपमान किया, मेरे घर में आग लगाई थी, आज लाजो को सबके सामने नंगा किया, मैं तेरा ये पापी हाथ आज तोड़ता हूँ। तूने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी को अपने पैरों तले रौंदा है, मेरी मेहनत मेरी तकदीर को ठोकर मारी है, मैं तेरा ये पैर भी तोड़ता हूँ।
शायद तुम्हारे किए एहसानों का ये इनाम लेकर आया हूं। आज मैंने गांव के इस कंस को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है। संभालो इस जिंदा लाश को। रणवीर बेटे, अरे क्या हुआ? क्यों उठे? रणवीर, 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 तेरी कसम रणवीर, मैं सूरज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ प्रभा जी? बकी का पहिया निकल गया। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आइए ना प्लीज। तकदीर ने आपके साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है प्रभा जी। इस उम्र में जिंदगी ने आपको एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाय तन्हाई और तड़प के और कुछ भी नहीं। ये पहाड़ जैसी जिंदगी आप अकेले नहीं काट सकेंगी, आपको एक साथी, एक हम सफर की जरूरत है जो आपको वो सारी खुशियां दे सके जो तकदीर ने आपसे छीन ली है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अभी आपका साथी हम सफर बनने के लिए तैयार। शमशेर! प्रभा, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जलील कुत्ते कमीने, आगे ना अपनी औकात पर, हट जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम जैसे हैवान की शक्ल से भी नफरत है। एक दिन तुमने मेरी तकदीर को थप्पड़ मारा था, आज मुझे मारा है, इसका भुगतान तुम्हें अभी और इसी वक्त करना होगा। Thank you.
योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त जनाब सरकारी वकील साहब ने मकतूल शमशेर सिंह के कत्ल का इल्जाम जो मेरे मुवक्किल सूरज सिंह वल ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सूरज ने शमशेर का कत्ल नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी मौत मारा गया। इसे साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह हैं, मुलजिम की मां श्रीमती अंबा देवी और मुलजिम की भाभी श्रीमती प्रभा देवी। योर ऑनर, मैं अपनी पहली गवाह श्रीमती अंबा देवी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अंबा देवी, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह सूरज सिंह ने शमशेर सिंह का कत्ल किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी वहां मौजूद थीं। अब आप अदालत को बताइए कि शमशेर सिंह की मौत कैसे हुई। सूरज ने शमशेर सिंह का कत्ल नहीं किया, इसने मेरे कहने पर उस नीच को ललकारा और उसे मेरी बहू प्रभा की इज्जत लूटने से रोका। उस लड़ाई में शमशेर सिंह अपनी मौत खुद मारा गया। अब आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, अब मैं श्रीमती प्रभा देवी का बयान अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। प्रभा देवी, श्रीमती अंबा देवी का बयान है कि उनके बेटे सूरज ने आपकी इज्जत बचाने के लिए शमशेर सिंह को ललकारा और उस लड़ाई में शमशेर सिंह अपनी मौत खुद मारा गया। अंबा देवी का बयान झूठा है।